वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की गतिविधियों के बारे में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार देश की एकता कायम करने के लिए सभी प्रयास करेगी। लोकसभा में इस मुद्दे पर बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा रेखा की सुरक्षा के लिए सरकार अपनी क्षमताओं को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि मौजूदा वक्त में विकास की गति तेज करने के लिए अब सरकार कठिन निर्णय लेने जा रही है, जिसमें सब्सिडी पर नियंत्रण, टैक्स प्रणाली तथा वित्तीय सेक्टर के सुधार शामिल होंगे। G20 के मंच से उन्होंने कहा कि सरकार का सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का इरादा है। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ब्रिक्स देशों के बीच राजकोषीय नीति के समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में आर्थिक स्थिरता से भारत के विकास दर को फिर से बहाल करने में मदद मिलेगी। लोकसभा में पास होने के बाद पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक को राज्यसभा में चर्चा और पास कराने के उद्देश्य से राज्यसभा में रखा गया। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बिल कुछ अंशों की चर्चा करते हुए इसे उच्च सदन में रखा। बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। भारी बारिश के बाद ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तटबंधों के क्षतिग्रस्त होने की वजह से कई गांवों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से फसलों एवं जानमाल को काफी नुकसान पहुंचा है। शेयर बाजार में देखी गई तेजी, सेंसेक्स 126 अंक मजबूत होकर 19,106 अंक पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 31 अंक ऊपर 5,624 अंक के स्तर को छू गया। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 20 पैसे मजबूती के साथ 65.81 रुपए प्रति डॉलर पर खुला। कल रुपया 106 पैसे की बढ़त के साथ 66.01 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। अफगानिस्तान के पक्तिया प्रांत में कल संदिग्ध तालिबानी आतंकवादियों ने भारतीय लेखिका सुष्मिता बनर्जी की गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय पुलिस का कहना है कि एस्केप फ्रॉम तालिबान की लेखिका सुष्मिता बनर्जी की हत्या तालिबानी आतंकवादियों ने की है। मिस्र के आंतरिक मामलों के मंत्री मोहम्मद इब्राहिम पर कल हुए एक जानलेवा हमले में वे बाल बाल बच गए। खबरों के मुताबिक मंत्री के काफिले के पास ही कार बम विस्फोट हुआ। सरकारी टेलीविजन के अनुसार उनकी हत्या की कोशिश की गई थी।